12 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। सुजीत पांडे एडीजी जोन प्रयागराज बनाए गए हैं। राजीव कृष्णा एडीजी पीटीसी मुरादाबाद होंगे। सुजानवीर सिंह एडीजी ट्रेनिंग लखनऊ होंगे। एसएन साबत एडीजी जोन लखनऊ होंगे। असीम अरुण को एडीजी तकनीकी सेवा बनाया गया। आशुतोष पांडे एडीजी अभियोजन होंगे। डीके ठाकुर एडीजी एटीएस होंगे। और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बड़े पैमाने पर फेरबदल, आखिर क्या कुछ इनसाइड स्टोरी रही? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, ये जो 12 ट्रांसफर है ये बहुत बड़े ट्रांसफर है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में इसे नॉर्मल ट्रांसफर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए जी। सुजान वीर सिंह जो डीजी अभियोजन थे उनको हटा के वहाँ से प्रशिक्षण विभाग भेज दिया गया है जी। आशुतोष पांडे को डीजी अभियोजन बनाया गया है जी। और डीजी टेक्निकल सेवा थे अभी तक आशुतोष पांडे जी। और ध्रुवकांत ठाकुर को उनकी जगह से हटा किया गया, यूपी 100 से हटा के एटीएस में भेजा गया एडीजी बना के जी। बहुत लंबे समय से हरिराम शर्मा एडीजी कार्मिक का काम देख रहे थे, अब उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एलबी एंटोनी देव कुमार जी, जो अभी तक मुरादाबाद में डीजी एडीजी थे जी, उनको नया एडीजी कार्मिक बनाया गया है जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ के एडीजी जोन और इलाहाबाद के एडीजी जोन को हटा दिया गया है। लखनऊ में एसएन साबत को नया डीजी जोन बनाया गया है जी। और इलाहाबाद या प्रयागराज में सुजीत पांडे को जी। तो काफी बड़े परिवर्तन ये देखने को मिल रहे हैं जी। और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष स्तर पर ये बम्पर तबादला है, बहुत बड़े तबादले हैं जी। जी वीरेन जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं किस तरह से आज ये तबादले हुए हैं, आईपीएस के तबादलों की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। तबाही और कोहराम मचाते हुए पानी के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पानी में डूबती कार, बस पर बेबस जिंदगी और पानी में समाता हुआ मकान, ये हाहाकारी नजारे आपको बताएंगे कि पानी जब विनाशक रूप धारण कर लेता है तो वो लाता है सिर्फ और सिर्फ तबाही। पानी है कि मानता नहीं, एक ही पल में आई तबाही। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आया पानी, अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पानी जब प्यास बुझाने पर आता है तो मरते को जिंदगी दे देता है, लेकिन पानी जब अपने पर आ जाए तो जानलेवा बन जाता है। पानी के बीच में फंसी इस कार को देखिए। एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी में फंसी ये कार ऐसे ही फंसी रहेगी, लेकिन आप जैसे ही पलक झपकेंगे तो ये कार आपकी नजरों के सामने से गायब हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपनी पलकों को झपका कर देख लीजिए। देखा, देखते ही देखते ये कार पानी में समा गई और पानी उसके ऊपर से बहने लगा। लगा ही नहीं जैसे यहाँ पहले कोई कार खड़ी थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने कार को कब्र खोद कर गाड़ दिया हो। पानी के प्रकोप के आगे ये कार कहीं ठहर नहीं पाई। अब जरा इस बस को देखिए, पानी के बीचों बीच छटपटाती हुई बस और बस से इधर उधर कूदते हुए लोग, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बीच ये बस बड़ी बेबस होकर खड़ी है। जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है और लोग मौत से बचकर जिंदगी की ओर भागते हुए इस विनाशक पानी में छलांग लगाते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन वो अपनी सारी कोशिशें कर लेना चाहते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार से बहने वाला पानी। आप पानी की इस रफ्तार को देखिए, देखने से ही लग रहा है कि इस पानी की जद में जो भी आया होगा वो बचा नहीं होगा। पानी की यह रफ्तार, पानी में फंसी कार और बस, तीनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। पानी जब विकराल रूप धारण करता है तो लाता है सिर्फ तबाही।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पानी में बाइक लेकर आया हुआ ये शख्स बाइक लेकर आया और बाइक के साथ ही पानी में बहकर कहां चला गया कुछ पता ही नहीं चला। पानी की तबाही सिर्फ इंसानों पर हो ऐसा नहीं है। ये देखिए पानी में समाता हुआ ये मकान, चंद ही सेकंड में ये मकान गायब हो गया, पानी में ऐसे बह गया जैसे किसी ने इसे अस्थियों की तरह विसर्जित कर दिया हो। पानी के इस हाहाकारी रूप से मची तबाही की तस्वीरें खौफनाक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से खबर है जहां पर नक्सल समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि यूपी में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास का पहिया घूम रहा है। तो क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। नक्सल पर नकेल कसने के लिए आज गृह मंत्री की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी। उस बैठक में यूपी की तस्वीर सीएम योगी ने रखी है। उन्होंने बताया है किस तरह से नक्सल प्रभावित जिलों में भी विकास की बयार बहाई जा रही है, मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी तरह से नक्सली गतिविधियां नियंत्रण में। बढ़ते आएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकारें सवालों का जवाब नहीं देती। वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर राजनीति कर रही है। लोकतंत्र चला रहे हैं, वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स और डर से। किसान दुखी है, नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार को चिंता नहीं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश दोनों नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी और अपराध दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार सवालों का जवाब नहीं देती। किसान दुखी है, नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार को चिंता नहीं है, नौकरी और रोजगार है नहीं, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। गांव-गांव में 95% और 100% ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके खड़े हैं लेकिन उनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये हमारा देश है। अखिलेश ने यूपी में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इस्तीफे और विस्तार बताते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है और लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब किया गया है। और जो लोकतंत्र चला रहे हैं वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स और डर से। ये डेमोक्रेसी की नई परिभाषा है, ये नए कुछ निकली हैं चीजें, डरा करके लोगों को, उनके बीच में भय पैदा कर करके, धर्म के खिलाफ नफरत फैला करके, जातियों के खिलाफ एक दूसरे को भड़का करके वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। इस मौके पर कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ली। अखिलेश ने कहा कि सपा प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर सजग है। अखिलेश ने यह भी कहा कि आज लोकतंत्र को डर से चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर मायावती ने ट्वीट करके अनुच्छेद 370 के मसले पर बीजेपी का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस पर करारा वार भी किया। सदन में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन करने वाली मायावती ने अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि बाबा साहब कभी भी 370 के पक्ष में नहीं थे। देश में संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब वहां हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है। मायावती ने कहा कि बिना अनुमति कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था। क्या ये केंद्र और गवर्नर को राजनीति करने का मौका नहीं देता है? सभी पार्टियों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए,
वहीं मायावती ने ट्वीट करके कहा कि देश में भीषण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों की देश भर में हो रही छटनी और तनाव हिंसा आदि से पीड़ित देश के करोड़ों मेहनत कश लोगों को तत्काल राहत देने के लिए दीर्घकालीन उपायों के साथ साथ तत्काल राहत और रोजगार देने वाले कदम उठाने की भी जरूरत है। मायावती ने अपील की कि केंद्र सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर है जहां पर जल जीवन मिशन की आज बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पेयजल के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की। महेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। जल जीवन को लेकर अहम बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज एक बड़ी बैठक थी जल शक्ति को लेकर। ड्रिंकिंग वाटर एक अहम समस्या है और आज शेखावत जी ने साफ तौर पर कहा कि 2024 तक जो टारगेट है उसको पूरा करने की बात उन्होंने कही है। हर घर को नल से जल देने की व्यवस्था को सुनिश्चित भी कराना है और इसके तहत आज की यहाँ पर बैठक हुई है। पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है, सभी राज्यों ने अपना अपना सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी मैंने बहुत सारा सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना लेकर के प्रथम चरण में हम बुंदेलखंड में अक्टूबर माह से काम को प्रारंभ करेंगे और 2 साल के अंदर हम पूरे बुंदेलखंड को सिचुएट करेंगे और उसके बाद जेई एईएस प्रभावित, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित और जहां क्रिटिकल जोन, सेमी क्रिटिकल जोन है उनको सबको और खारा पानी युक्त है उन सभी क्षेत्रों को एक एक चरणबद्ध तरीके से लेकर के हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। मोदी जी के सपनों का भारत जो बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के उस काम को। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। इधर ग्राम विकास की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार विभागीय बैठक करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। विस्तार के बाद पहली बार आज विभाग मिला है और मोती सिंह जी सीधे विभाग में पहुंचे हैं। आज विभाग में बैठक कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, क्या देखा ग्राम विकास में और क्या आगे की योजना है? छोटी मोटी बातें अगर कहीं हमारे संज्ञान में आई हैं तो उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे सहयोग में हमारे माननीय राज्य मंत्री जी हैं, युवा हैं, बहुत ही योग्य हैं, इनके इनका सहयोग लेके और अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनका सहयोग लेके जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप यह हमारा विभाग अपने कार्य से अपने को प्रमाणित कर सके, यही मेरा इनके लिए मार्गदर्शन भी होगा, इन्हें उसका सहयोग भी मिलेगा और हमारा प्रयास भी होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने दौरे पर सुल्तानपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अमहट स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बाकायदा साफ सफाई कर रंग रोगन किया जा रहा है। इसके साथ ही अमहट हवाई अड्डे से चौराहे तक जर्जर पड़ी सड़क को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सड़कों के दोनों ओर गिट्टी डालकर उस पर उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। इसके अलावा NH 56 पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के किनारे भी साफ सफाई कर उसे ठीक किया गया। इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आज अपनी उम्र के विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अब्दुल्ला आजम ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए मुकदमे को खारिज किए जाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि हाई कोर्ट उनके मुकदमे में अब 11 सितंबर से आखिरी सुनवाई शुरू करेगा। अब्दुल्ला आजम की तरफ से अब तक कोर्ट में 11 लोगों के बयान दर्ज हो चुके। पेशी जो भी हुई है आज वो सिर्फ उम्र के मामले में हुई है। जो मेरी उम्र के खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन है उसमें मेरी गवाही थी और मैंने अपनी गवाही दर्ज करा दी है। क्या था पूरा मामला? जो चुनाव हारे हैं उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन दायर किया था कि मेरी उम्र चुनाव लड़ने के लिए 25 साल नहीं थी, तो उसी के मतलब उसी की सुनवाई के लिए था। बहरहाल तो उसमें हमने अपनी गवाही दर्ज करा दी है, सबकी गवाहियाँ हो गई हैं, बस मेरी एक गवाही बाकी रह गई थी और दर्ज हो गई है।
कोर्ट में। इधर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एकाध जगह पर एक इंसिडेंट हुई, फिर गलतफहमी को लेकर के कतिपय जनपदों में अफवाह के रूप में चीजें प्रचारित प्रसारित कुछ कालांतर में हुई हैं। इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने, शासन ने, प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया है। विस्तार से निर्देश सभी संबंधित को दिए गए हैं। इस प्रकरण में जहां जहां पर अफवाह किसी ने फैलाने की कोशिश की उसे चिन्हित किया गया है, यहां तक कि वीडियो फुटेजेस के माध्यम से भी लोगों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। दादरी के एक इंटर कॉलेज में छात्रा के साथ स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करने वाले मंचले पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी मंचले पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भारत समाचार ने छात्रा से छेड़छाड़ की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसको पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लड़की का फादर है, वो उसने रिपोर्ट करी कि ये संभवतः वही व्यक्ति उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। हम लोगों ने इस मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इधर ग्रेटर नोएडा में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में उसी के जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के गश्त के दौरान मासूम बच्ची अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों में मिली थी। जीजा ने पहले बच्चे के साथ रेप की, दरिंदगी की और फिर उसके बाद उसे गला दबाकर मरा समझकर मौके से छोड़कर फरार हो गया। मासूम बच्ची का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पहले अपनी साली की हत्या करने के बाद पत्नी की भी हत्या करने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 11 वर्षीय नाबालिग कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा की साइड 5 कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली अपनी बहन के घर आई थी। तत्काल लेकर अस्पताल गए, वहाँ पूछताछ में पता चला कि उसको ले जाने वाला उसका जीजा था जो वहाँ पर थाने पर कंप्लेंट करने आया था। उसके बाद हम लोगों ने जब अस्पताल में जीजा को देखने का प्रयास किया तब तक वो जीजा वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन हमारी टीम बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए उसको भी कहीं ना कहीं से हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उस लड़की को लेकर के उधर जंगल की तरफ गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोट करके उसको मारने का प्रयास किया। मेरठ से खबर है जहां पर थाना प्रतापपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बस और बाइक की टक्कर में घायल हुए युवक का उन्होंने उपचार नहीं कराया। बस चालक पर कार्रवाई के बदले पुलिस समझौते का प्रयास कर रही है। 2000 रुपए में घायल युवक पर समझौते का दबाव बनाया गया। घायल युवक इंसाफ के इंतजार में थाने की दीवार पर पड़ा रहा। थाने की दीवार पर पड़े युवक को पुलिस ने उपचार के लिए भी नहीं भेजा। थाने की दीवार पर घायल पड़े युवक की पुलिस ने सुध भी नहीं ली। थाना प्रतापपुर क्षेत्र का पूरा मामला है। तो मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर राज्यपाल ने योजनाओं की जानकारी ली है। लखनऊ में चल रही योजनाओं की राज्यपाल ने जानकारी ली है। आनंदीबेन पटेल ने आज बैठक भी की है। शासकीय योजनाओं से संबंधित उन्होंने जानकारी ली है। राज्यपाल ने आयुष्मान योजना की जानकारी ली। योजनाओं में गड़बड़ी पर कार्रवाई की बात भी राज्यपाल ने कही है। आयुष्मान योजना में अस्पतालों को चेक करें, इस तरह के निर्देश भी राज्यपाल ने दिए। गाजियाबाद से खबर है जहां पर डीजी कारागार आनंद कुमार ने आज गाजियाबाद जेल का निरीक्षण किया है। जेल में सभी बैरक में कैदियों और उनके सामान की उन्होंने खुद तलाशी ली है। जेल में लगे हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे सहित तमाम उपकरणों को चेक किया है। बढ़ते आगे, खबर महाराजगंज से है जहां पर आज कॉलेज कैंपस में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से पीटने का वीडियो अब यहां पर वायरल हो रहा है। लाठी डंडों से हमला कर यहां पर दबंग किस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। फरिंदा थाना के जयपुर इंटर कॉलेज का पूरा मामला है। मेरठ से खबर है जहां पर भीड़ तंत्र का एक और अंधा इंसाफ देखने को मिला। छेड़छाड़ के आरोपी की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी गई। परिजनों की शिकायत के बाद भीड़ ने युवक को जमकर धूम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला थाना टीपी नगर के दिल्ली रोड का है।
बढ़ते हैं आगे। झांसी से खबर है जहां पर शराब की दुकान में सेल्समैन से मारपीट की गई। दबंगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी वीडियो 23 तारीख का बताया जा रहा है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में शराब की दुकान बताई जा रही है। तो झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अगली खबर आगरा से है जहां पर बीच सड़क पर मारपीट हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने बमुश्किल दोनों पक्षों को अलग कराया। मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। सूचना के आधे घंटे बाद यहां पर पुलिस पहुंची। थाना सिकंदरा क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी का यह पूरा मामला है। और मथुरा से खबर है जहां पर सराफा व्यापारी के घर बदमाशों ने हमला बोल दिया। चाकू से ज्वेलर्स और उसकी पत्नी पर हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। लूट के इरादे से बदमाशों ने घटना को अंजाम किया। और खबर बाराबंकी से है जहां पर ठगी के चलते सैकड़ों लोगों ने हैदरगढ़ कोतवाली पर हंगामा किया और घेराव किया। संस्था पर करोड़ों रुपए की ठगी कर राशन कोटा देने का आरोप लगाया गया है। संस्था पर सिक्योरिटी व रसीद के नाम पर सैकड़ों लोगों से कई करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया गया है। सरकार के समानांतर कोटी की दुकान खोलने वाली संस्था के खिलाफ दुकान संचालकों पर आक्रोश फूटकर सड़क पर आए। करोड़ों रुपए के हुए गोरखधंधे को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दुर्गा बख्श सिंह वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने एक साल पहले प्राइवेट कोटेदार बनाने का काम शुरू किया था। 9,000 रुपए मासिक मानदेय के लालच में सैकड़ों लोग देखते ही देखते संस्था से जुड़ गए, लेकिन बाद में लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई। पैसा पेमेंट करूंगी, वापस करूंगी, तो 3 महीने का इनको टाइम चाहिए और ब्याज इसका कौन देगा? ना मैं सक्षम हूँ मुकदमा लड़ने लायक हूँ, ना मैं 3 महीने इनको टाइम दे सकती हूँ। मुझे अगर ये पैसा वापस करे तो मुझे तुरंत पैसा चाहिए, या फिर मुझे ये 28 तारीख को राशन देना है इनको, मुझे 28 तारीख को राशन दे। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि ये जो क्वांटिटी है, जो सामान दिया जाता है उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं है और भी कुछ अनियमितताएं हैं, तो इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ और एसडीएम की कमेटी गठित करके इस पूरे प्रकरण की जांच भी हम लोग करा रहे हैं। तो बाराबंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से लोग ठगी के शिकार हुए, जिसके बाद उन्होंने हैदरगढ़ कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया, कोतवाली का घेराव किया। तो भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार देखिए 3 मिनट में 33 खबरें। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज जो कश्मीरियों के साथ हुआ कल हम सबके साथ होगा। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। अर्थव्यवस्था की हालत पर अखिलेश यादव ने कहा कि बांग्लादेश का टका हमारे रुपए से ज्यादा मजबूत हो चुका है।